सीमा पार से आतंकवाद पर नेपाल की पाक को दो टूक, कहा शांति के लिए सीमा पार आतंकवाद रोकना जरूरी, सार्क समिट टलने पर जताया खेद। अफ्रीकी देश इथियोपिया में धार्मिक जलसे में प्रदर्शन के दौरान मची भगदड़, 50 लोगों की मौत की खबर, कई घायल, राहत और बचाव का काम जारी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को भारत ने दी मंजूरी, यूनाइटेड नेशंस में सौंपे दस्तावेज, फ्रांस ने किया स्वागत। दिल्ली में नकली सिक्कों की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 10 और 5 रुपए के 600 किलो नकली सिक्के बरामद, सप्लायर गिरफ्तार, 30 लोगों को बंधक बनाकर करवा रहे थे काम। ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम बहु विवाह का मामला पहुंचा कोर्ट, पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी पर आपराधिक केस दर्ज करने की मिले इजाजत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कर। गांधी जयंती पर पूरा देश बापू को कर रहा है याद, पीएम ने गांधी स्मृति पर बापू को दी श्रद्धांजलि, तो मंत्रियों और नेताओं ने अलग अलग शहरों में की साफ सफाई।